नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रिपोर्टर लाइव में। मैं हूं आपके साथ अविनाश दुबे। पूरे टीवी 20 परिवार की तरफ से आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नए वर्ष के इस नए दौर में टीवी 24 यह आपसे वादा करता है कि आपसे जुड़े हुए हर सरोकार से सबसे पहले और सबसे सटीक खबर आपके सामने प्रस्तुत करेगा। रिपोर्टर्स लाइव में हम सीधे चलते हैं मध्य प्रदेश, जहां से हमारे साथ भोपाल से हमारे सहयोगी गब्बर सिंह ठाकुर नए वर्ष के रूप में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे उनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं गब्बर सिंह ठाकुर जी, आपका नए वर्ष में क्या कुछ प्रमुख खबरें रहने वाली हैं आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में? TV24 की तरफ से हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी समेत पूरे प्रदेश की राजनीतिक गतिविधियों की और अपराध से जुड़ी खबरों की। चलिए सबसे पहले बात करते हैं नए वर्ष में जो मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका था और उनके विभाग भी बांट दिए गए थे। जैसे ही विभाग बटे, अब जो मंत्री हैं वह आज से अपने शपथ के साथ साथ में जो उनके विभाग हैं, विभागों का जिम्मा संभालेंगे। बताया जा रहा है कि प्रहलाद पटेल आज दोपहर 3 बजे अब मंत्रालय जाएंगे और मंत्रालय में पहुंच करके जो उनके लिए विभाग मिला है उस विभाग को संभालेंगे, उसका कहा जाएगा चार्ज लेंगे और जो अधिकारी हैं अधिकारियों से चर्चा करेंगे। इसी के साथ में आपको बता दें कि प्रहलाद पटेल ने कल बातचीत की थी और उन्होंने कहा था कि मुझे कोई आश्चर्य या कोई काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह से मैंने केंद्र में काम किया है वैसे ही प्रदेश में करूंगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि जो स्वरूप है, स्वरूप थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, क्योंकि केंद्र का जो स्वरूप होता है, विस्तार होता है, वो बड़ा होता है और मध्य प्रदेश या फिर कहें कि प्रदेश का जो विस्तार होता है वो थोड़ा छोटा होता है, तो काम करने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें कि जो नया साल है आज और इसके पहले 31 दिसंबर यानी नया पुराना साल जा रहा था और नए साल का आगाज हो रहा था, तो मध्य प्रदेश समेत पूरे राजधानी में भी और भी कई शहरों में जश्न मनाया गया हर्षोल्लास के साथ में। विशेष तौर पे युवाओं ने जश्न मनाया, देर रात तक डीजे की ताल पर लोग थिरकते रहे और अपने जश्न में डूब रहे। हालांकि राजधानी में भी ऐसी कोई कहा जाए क्राइम को लेकर के ऐसी कोई विशेष घटना नहीं हुई जिससे जो नया साल था नए साल में खलल पड़े। हालांकि पुलिस ने चारों तरफ अपनी सुरक्षा व्यवस्था लगा के रखी थी, आज भी पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था लगा के रखी है। विशेष तौर से मंदिरों में ऐसा कहना है पुलिस का कि लोग मंदिर जाएंगे और मंदिर में कहीं किसी को कोई दिक्कत ना आए श्रद्धालु को, तो पुलिस वहां पर भी तैनात रहेगी। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें मंगूभाई पटेल, राज्यपाल ने भी शुभकामनाएं दी हैं। इसी के साथ में जो बड़े नेता हैं, बड़े नेताओं ने भी नए वर्ष को लेकर के प्रदेशवासियों को, देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। वही दूसरी तरफ नया साल है और नया आगाज है, लेकिन ट्रांसपोर्टर्स हैं वो आज से हड़ताल पर चले गए हैं। 3 दिन की हड़ताल पर है ट्रांसपोर्टर्स, क्योंकि जो नया नियम ट्रांसपोर्ट में, परिवहन विभाग में जो नया नियम निकाला गया कि अगर एक्सीडेंट होता है तो जो ड्राइवर है ड्राइवर को ही हर्जाना देना होगा, इसको लेकर के ट्रांसपोर्टर्स नाराज हैं, बस चालक नाराज हैं, ट्रक चालक नाराज हैं, जो ऑटो भी निकल रही हैं। तो हाईवे पर आपको बता दें कि राजधानी भोपाल का जो हाईवे है यानी विदिशा जाने वाला बैरसिया मार्ग जो है वो हाईवे पर रोका जा रहा है, ट्रकों को आने जाने नहीं दिया जा रहा है, छोटे वाहन है वह भी आने जाने में परेशान हो रहे हैं। इधर हम बात करें शहर के अंदर की, तो शहर में जो रेड बसें नगर निगम के द्वारा चलाई जा रही थी वह भी आज पूरी तरह से बंद है। गब्बर जी, आप सीनियर रिपोर्टर हैं, यू आर सीनियर रिपोर्टर, मैं बहुत बारीकी से जानना चाहता हूं, क्योंकि सरकार बन चुकी है मध्य प्रदेश में, पेट भर कर्जा है मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर, ऐसे में कैसे सरवाइव कर पाएंगे 5 साल, क्या कुछ आप देख पाते हैं इसको? जी, आपने बहुत ही अच्छी बात पूछी है कि नई सरकार है, नया काम है, कई नए मंत्री हैं, कई नए विधायकों के लिए टिकट मिला था लोगों के लिए और वो विधायक ही जीते और उन्हें मंत्री भी बनाया गया। कई ऐसे हैं जो केंद्र के हैं, मध्य प्रदेश में आए हुए हैं और मध्य प्रदेश की अब सरकार की बागडोर, उनके विभाग की बागडोर उनके हाथ में है। बड़ी बात यही है
कि जो इतना बड़ा जबरदस्त कर्जा हुआ है मध्य प्रदेश सरकार पर, और डॉक्टर मोहन सरकार ने भी हाल ही में थोड़ा सा कर्जा लिया है, एक किस्त ली है, तो उनका भी कहना था कि हमें विभाग की सुचारू चीजों के लिए कर्ज लेना है, लेकिन उन्होंने ये कहा था ये हम सब पटा देंगे। बड़ी बात है, चिंताजनक बात है कि ये कर्ज कैसे पटाया जाएगा। तो एक सोचने वाली बात है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश की जो बागडोर है, कहीं ना कहीं वो बागडोर केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ले लिए, क्योंकि कुछ भी अगर होता है, जैसे मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था तो सीएम साहब दिल्ली के लिए गए हुए थे, मंत्रिमंडल का गठन हुआ था तो सीएम साहब दिल्ली गए हुए थे, उनके विभागों की बंटवारों की बात करें तो वो भी दिल्ली से ही हुई, दिल्ली से ही सील साइन पंच लगी और उसके बाद ही। तो कुल मिलाकर के ये देखने में समझ में आ रहा है कि केंद्र सरकार से लगातार पैसा मिल रहा था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका गब्बर सिंह ठाकुर जी, तमाम प्रमुख जानकारियों के लिए। आपने बहुत बारीकी से हमारे दर्शकों को बताया कि कैसे आखिरकार मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट इस पेट भरे कर्ज से बाहर निकल पाएगी। ये तो देखने वाली बात होगी कि आखिरकार मध्य प्रदेश की सरकार जो लगातार एक के बाद, चाहे आप देख लीजिए 18, 19, 20, 21, 22, 23 कर्ज लेने से जरा सा भी हिचकिचाई नहीं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आखिरकार जनता के साथ सामंजस्य भी बनाकर और जनता को लोक लुभावन जो वादे दिए हैं उसको पूरा करने के साथ ही साथ मध्य प्रदेश में बिना कर्जदारी लिए मध्य प्रदेश की सरकार चलाना, यह डॉक्टर मोहन यादव के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी, यह तो आने वाला समय बताएगा।